आपकी बुक्स के अंदर नॉर्मली ऐसे लिखा जाता है कि मान लो अगर आपके पास फोर्स कंजर्वेटिव है, चलो फोर्स मैंने क्या बोल दिया, कंजर्वेटिव है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो एनर्जी कंजर्वेशन तो वैलिड है ना। तो मान लो एक एक बॉडी वन पॉइंट से मान लो सेकेंड पॉइंट तक नीचे आ गई, गिर गई, नीचे आ गई। मान लो ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ आ गया और ये ग्राउंड है, नीचे गिर गया, ठीक है। तो मैं ऐसा तो बोल ही सकता हूँ ना, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वन, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट वन, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट टू, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट टू। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, कोई डाउट है इसमें? चलो इक्वेट करता हूँ। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वन प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट वन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट टू प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट टू। मैं लिख सकता हूँ, लिख दिया। हमने अपने सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से किए हैं। लेकिन अगर आप एक स्टेप फर्दर देखें, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट वन माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट टू, काइनेटिक एट पॉइंट वन, काइनेटिक एट पॉइंट टू इक्वल टू जीरो। मैं सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? बुक्स कहती हैं ये रहा एनर्जी कंजर्वेशन। सही बोल रही है ना, कि जब वो कहेंगे ना अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन दैट इज डेल्टा पी प्लस डेल्टा के इक्वल टू जीरो, तो कई लोग जिनको नहीं पता होगा ये कौन सी एनर्जी कंजर्वेशन होती है, ये स्टेप और इस स्टेप में कोई फर्क नहीं है, ठीक। तो आज के बाद और आप अपने क्वेश्चन करने के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। मजे की बात है, ये देखो आपकी बॉडी यहां से यहां गिरी, आप मान लो ये नहीं लगाना चाहते, मत लगाओ, आप ये लगा लो। आप बस मुझे ये बता दो जब ये बॉडी यहां से यहां गिरी इसका पोटेंशियल क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी? जीरो। इनिशियल क्या थी? एम जी एच। तो चेंज कितना है? जीरो माइनस फाइनल माइनस इनिशियल। चलो ठीक है, काइनेटिक जब बॉडी चली थी इनिशियल काइनेटिक क्या है? जीरो। और फाइनल क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। बात तो वही है, समझ तो गए आप। ये देखो वही तो मैं कहता था, जैसे आपकी इच्छा है, आपको ये पसंद है आप ये लगा दो। आप कुछ ना करो, किसी भी क्वेश्चन में डेल्टा पी डेल्टा के ई को जीरो कर दो, फाइनल इनिशियल आंसर आ जाएगा। अगर वो नहीं पसंद तो ऐसे कर दो, जो आपको पसंद है आप ऐसे कर दो। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये भी सही तरीका है एनर्जी कंजर्वेशन दिखाने का। ज़्यादातर बुक्स ये यूज़ करती हैं डेल्टा के ई डेल्टा पी, फोर्स कंजर्वेटिव क्यों है मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं, नहीं है कंजर्वेटिव है कह रहा हूँ, ग्रेविटी है भाई, फ्री फॉल है। नहीं, क्योंकि इसमें वो एनर्जी कंजर्वेशन लगी तभी रहा है क्योंकि कंजर्वेटिव है। लगाऊंगा क्यों नहीं? तो पहला स्टेप समझ में आ रहा है यहाँ तक कि ऐसा भी कर सकते हैं। सही है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा बुक्स यूज़ करती हैं और लोग वहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं अगर मैंने ये ना चीज़ बताई तो। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है, दिखाता हूँ कैसे। अभी हमने इंक्लाइंड वाला क्वेश्चन किया था ना, अभी ये वाला, कि मैंने कहा था कि पोटेंशियल और काइनेटिक का सम जो है वो सेम नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के केस में एनर्जी कंजर्वेशन नहीं चलते, ये बात हुई थी। तो अगर सपोज करो फोर्स, मान लो आपकी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, जैसे फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो आपने क्या लगाया था अभी, जब मैंने कहा था कि जैसे ये एक ब्लॉक है यहाँ से यहाँ आ गया तो ये बी पॉइंट था और ये ए पॉइंट था, तो मैंने कहा था पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट ए, काइनेटिक एट ए, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट बी एंड काइनेटिक एनर्जी एट बी को इक्वेट नहीं करना क्योंकि बीच में क्या प्रेजेंट है? फ्रिक्शन। ऐसी बात हुई। अब आप एक चीज़ देखें, इसमें मैंने आपको ऐसे सिखाया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ऐसी था।
और मैंने कहा था ये लॉस हो जाएगा क्योंकि बी पे कम है ए पे ज्यादा है टोटल, इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ऐसे ही था सही है। आप मुझे मुझे ये बताओ कि इसके अंदर वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में अगर मैं इस पूछ रहा हूँ पूरे अरेंजमेंट को ऐसे करता हूँ, पहले पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए मैं अरेंज कर रहा हूँ, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए माइनस कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया प्लस माइनस एफ एस इक्वल टू जीरो, सॉरी यहाँ पे ऐसे सही है, इसको लेफ्ट की तरफ ले आया मैं, कोई डाउट इसमें ठीक ही है ना ये ठीक है। अब ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पोटेंशियल, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा काइनेटिक, और इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। आपको कि ये नहीं समझ में आया कैसे, देखो मुझे सिर्फ ये बताओ डेल्टा वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, फाइनल फाइनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस इनिशियल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यही रूल लगेगा। फाइनल वर्क डन बाय फ्रिक्शन और इनिशियल वर्क डन बाय फ्रिक्शन के अंदर आप ये बताओ कि फाइनली जो बॉडी है वो कहाँ, जो डिफरेंस है वो इनका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा इनिशियली बॉडी यहाँ पर थी और फाइनली यहाँ पर आ गई, फाइनली यहाँ पर आ गई। तो मेरे को सिर्फ ये बताना है कि फाइनल जो आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो मान लो जीरो है, बॉडी यहाँ पर आ गई, और इनिशियली जो वो काम कर रही है उसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है माइनस एफ इंटू एस, तो अल्टीमेटली ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा एफ इंटू एस। तो आप चेंज नोट करें, एक तो जीरो होना ही होना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल है तो इनका जो डिफरेंस है वो एफ इंटू एस ही आएगा। मेरे कहने का मतलब हम इसको ऐसे करेंगे नहीं, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आपकी बुक्स जब इसी का सोल्यूशन आपको देंगी ना सोल्यूशन के अंदर, वो इतने बड़े स्टेप नहीं लिखेगी, गारंटी है मेरी, ये मेरा बनाया हुआ तरीका है, मैं ऐसे करता हूँ एनर्जी पोटेंशियल काइनेटिक ए और बी पॉइंट पर, आपकी किताब ये लगती है ऐसे, और इसे क्या बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इसे बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वो कहेगी अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम आंसर आएगा, तो वो ऐसे नहीं करेगी, वो ऐसे करेगी, आपकी मर्जी है, मैं ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे ही करूंगा, मेरे को ये ठीक लगता है, किसी को ये ठीक लगता है तो भी कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यही है, जब कंजर्वेटिव है तो ये गायब हो जाता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन बन जाता है, और नॉन कंजर्वेटिव में इसके साथ साथ ये भी ऐड हो जाता है, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन बन नहीं पाता, क्योंकि इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी है जो कि नॉन कंजर्वेटिव है। मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूं कि किताबें ऐसे लिखती हैं, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा आप ऐसा करें, मैं एक भी न्यूमेरिकल ऐसा करने वाला हूं नहीं, लेकिन मेरे को एटलीस्ट ये तो समझाना है ना, आप घर जाके किताब पढ़ें, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, और मान लो आपको एक मिनट के लिए कोई सोल्यूशन देखना पड़ जाए, आपको ये नहीं पता निकाल कर समझ में नहीं आ रहा, एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि आपको पता है कि वो कैसे सोल्यूशन करने वाला है, फाइनल इनिशियल फाइनल इनिशियल फाइनल इनिशियल आंसर जीरो आ जाएगा। तो स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि कैसे वो अपने क्वेश्चन को करेगा।